वाई प्लस सिक्योरिटी होने के बाद भी सांसद रंजीता कोली पर खनन माफियाओं ने दूसरी बार पथराव कर दिया। घटना देर रात करीब 11 बजे की है। पथराव में सांसद की कार के शीशे पूरी तरह से टूट गया, जिससे नाराज होकर सांसद ने धिलावटी चौकी पर देर रात ही धरना शुरू कर दिया। मौके पर कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात को लेकर सांसद रंजीता ने सुबह करीब 8 बजे धरना खत्म किया। सांसद रंजीता की तरफ से एक शिकायत भी दी गई है। आपको बता दें कि कामा कोसी रोड पर कामा थाना इलाके के लेवड़ा मोड़ पर सांसद रंजीता कोली ने रात 11:30 से 7:45 तक धरना दिया। कलेक्टर और एसपी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना खत्म हुआ। हमले के समय सांसद के काफिले में 3 गाड़ियां थी, जिसमें से एक पुलिस की गाड़ी थी, दूसरी रंजीता की गाड़ी थी, तीसरी वाई प्लस सिक्योरिटी की गाड़ी जिसमें सीआईएसएफ के जवान बैठे थे। जब सांसद ने पत्थरों से भरे ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए अपनी कार वाहनों के सामने लगाई तो खनन माफियाओं ने पथराव कर दिया। दरअसल सांसद दिल्ली से अपने घर बयाना जा रही थी। जैसे ही सांसद कामा थाना इलाके पहुंची तो उन्हें अवैध खनन के पत्थरों से भरे वाहन मिले, जिन्हें सांसद ने रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने सांसद की कार पर पथराव कर दिया। यह घटना लेवड़ा मोड़ की है। खनन माफिया पथराव करते हुए सभी पत्थरों से भरे वाहन लेवड़ा गांव में होते हुए फरार हो गए। कुछ दिनों पहले सांसद रंजीता कोली के बयाना वाले घर पर कुछ लोग सांसद रंजीता कोली को धमकी भरा लेटर और उनके फोटो पर जिंदा कारतूस चिपका गए थे, जिसके बाद उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। सांसद के साथ उनकी सिक्योरिटी साथ थी। इसके अलावा हर थाने की पुलिस भी उनकी सुरक्षा में मौजूद थी। सांसद पर पहली बार हमला 27 मई 2021 की रात को हुआ था। सांसद पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया था। घटना में उनकी कार का शीशा टूट गया, जिसके बाद बदमाश कार से फरार हो गए। दूसरा हमला एक धमकी था। 10 नवंबर 2021 की रात उनके घर के बाहर फायरिंग हुई और उनके फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर जिंदा कारतूस चिपका दिया गया। तीसरी बार हमला पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रेसर जोन में हुआ। उस समय सांसद खनन इलाके का दौरा करने के लिए गई थी, तब खनन माफियाओं ने उनकी कार पर पथराव कर दिया था। सांसद का आरोप है कि इन सभी हमलों के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रॉड 24 न्यूज।